हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 अक्टूबर को पेपर है इंग्लिश का क्लास 9th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन ए रहेगा रीडिंग का सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको पैसेज दी जाएगी जिसको आपको रीड करके इनके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो आपके ये पैसेज रही, आप इसको पूरा रीड कर लें अच्छे से। फिर आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन फर्स्ट है, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है हमारा इंग्लिश इम्प्रूव होना। तो ये रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका डी वाला रहेगा, रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो हम बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे तो इससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, वॉट इज असेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश, इसमें आपका आंसर रहेगा, इसमें रहेगा नॉन ऑफ दीज। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑफन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर्स, तो इसमें आपका रहेगा आंसर हॉल लैंग्वेज पोर्ड ओवर। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अ कंपनी, इसका रहेगा आपका आंसर ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका आता है, तो आपका क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन सेकंड में आपको पैसेज दी गई है, इसको भी आपको रीड कर इसके आंसर बताने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन लद्दाख, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोल्ड डिजर्ट। इसके बाद आपका सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मेट्रीज अबव सी लेवल, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3000 से 3500 तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन फोर आता है, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डिसेंस आई, इसका रहेगा आपका सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन फाइव आता है, सर्वर शॉर्टेज ऑफ बाटर इन द रिजल्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका सेक्शन भी आता है, राइटिंग सेक्शन आता है, इसमें आपको नोट मेकिंग लिखना है, टाइटल और नोट्स बनाने आपको इस पूरी पैराग्राफ पैसेज को रीड करके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, इसका आपको नोट्स बनाने हैं जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे और आपको इसका टाइटल बताना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन फोर आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 डेज लीव एज यू आर इल, तो इसके बाद आपका इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो आपको एक एप्लीकेशन दी गई है जो कि आपको लीव की लेनी है, और दूसरा हो जाएगा आपका, इसमें लेटर मिलेगा आपको जो कि आपको अपने फ्रेंड को लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन फाइव आता है, राइट एंड एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 180 वर्ड्स, तो आपको इन 4 टॉपिक दिए हैं, इनमें से आप किसी भी एक टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हो, एन इंडियन फेस्टिवल, ट्रीज आर ग्रीन, गोल्ड, बंडर्स ऑफ साइंस और इंटरनेट ए वेन ऑन वन। इसके बाद आपका क्वेश्चन सिक्स है, पिक्चर दी गई है आपको जी इस प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिविंग बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज, आपको जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से इनको इनके अनुसार आपको एक पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज पर। इसके बाद आपका सेक्शन सी आता है, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको एनी 5 करने हैं इसमें से। आपका पहला है सनराइज इन द ईस्ट, तो इसमें आपका द आ जाएगा, द सनराइज इन द ईस्ट। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, इसमें आपका एनी हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड आता है, ही इज एन इंजीनियर, तो एन हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन फोर आता है, वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो इसमें आपका गो नहीं आएगा, वेंट आएगा। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन रहेगा, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपको मच में नहीं दिया है, तो आपको मच करना है इसमें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अनीता इज टेलर देन संजय, तो आपका इसमें देन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो इसमें आपका आएगा मच। इसके बाद आपका क्वेश्चन आठवा है, क्वेश्चन एट है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है आपको, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला है आपका, सिमरन नोज द
आंसर टू द क्वेश्चन मेक नेगेटिव बनाना है आपका, आपको इसका तो आ जाएगा सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। इसके बाद आपका रहेगा सेकंड, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव में बनाना है, तो रोहन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। तो इसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, अनीता कट हर फिंगर, तो चेंज इनटू नेगेटिव, इसको भी आपको नेगेटिव में बनाना है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड आएगा इसका, अनीता कट हर फिंगर, तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डज नॉट कट हर फिंगर। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है इसका, अमित एट हर एट ऑल द सीट्स, तो इसको भी आपको नेगेटिव सेंटेंस है जी पूरी आपकी, तो अमित डिड नॉट ईट ऑल द सीट। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, आपका रीअरेंज करना है इसको आपको, तो इसका आंसर रहेगा आपका वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। इसके बाद आपका इसका छठवा आएगा, इसको भी आपको रीअरेंज करना है, तो इसका हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। इसके बाद आपका सेवन क्वेश्चन है सेवन वाला, तो इसको भी आपको रीअरेंज बनाना है, तो इसका हो जाएगा द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली। इसके बाद आपका सेक्शन डी आता है जो कि आपका टेस्ट बुक का सेक्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन आठवा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी फोर, तो हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 11 इयर्स ओल्ड। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन, तो इसमें आ जाएगा आपका सी वाला आ जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला फेलिंग्स लीव। इसके बाद आता है आपका फोर वाला क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। इसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन रहेगा, इसमें हो जाएगा आपका सी वाला अंकल। इसके बाद आपका क्वेश्चन नाइन आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको इनका आंसर बताना है इसको रीड करके। तो आपका इसमें दो सेक्शन रहेंगे ए और बी, तो इसका आपका रहेगा पहले ही पैसेज पैराग्राफ दिया गया है आपको, इसको लिए आपको रीड करना है, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपका पहले का रहेगा आपका, पहले का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 8 years old। इसके बाद आपका सेकंड का रहेगा हर फ्रेंड्स, इसके बाद आपका थर्ड का रहेगा, इसके बाद आपका आता है बी वाला सेशन आता है जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके इसका आपका आ जाएगा फर्स्ट का आ जाएगा आपका बी, सेकंड का आ जाएगा आपका इसके बाद आपको क्वेश्चन 10 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो आपको 30 शब्दों में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको आंसर देने हैं, तीनों क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है जिसमें भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों करने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका 12वां क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं टेस्ट बुक से जो कि आपको 70 वर्ड्स में लिखना है एक क्वेश्चन, इसमें आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं इनको। तो ये था आपका क्लास 9th का पूरा क्वार्टरली एग्जाम जो कि आपका पूरा पैटर्न था पूरा किस प्रकार आपका आएगा। अब हमने इसमें पैसेज ग्रामर पोर्शन टेस्ट बुक पूरा देखा था, तो इस वीडियो में हमने क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने आईटीएसटी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियो का अपडेट मिलती रहे, और हम क्लास 9th की ऑल सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके लिए लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।